हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ ठीक ठाक। अभी मैं पी रही हूँ सुबह की चाय। आज थोड़ा लेट हो गया है नींद से उठने के लिए। अभी तक बच्चे सो रहे हैं और मैं पी रही हूँ चाय। आज सुबह सुबह बहुत सारा काम ऑलरेडी मैंने कर लिया है और बहुत कुछ अभी तक बाकी है। लंच और ब्रेकफास्ट का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गया है और बाकी करने वाली हूँ। आज काम करने में मुझे थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है, तो बाहर का बहुत सारा काम है जो मुझे आज बारिश में भीगते हुए करना है। तो चलिए लेट स्टार्ट, ब्लॉग को यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग साथ। जब तक मैं चाय पी रही थी और ब्रेकफास्ट एंड लंच के लिए कुकिंग कर रही थी, उसी बीच बच्चे नींद से उठ गए हैं तो बेड अभी हो गए हैं एकदम खाली, जिसको अभी मुझे ठीक करना है। और बाहर का वेदर तो वैसे ठीक नहीं है, फिर भी घर में अगर थोड़ा बहुत हवा खिलेगा और लाइट खिलेगा तो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं विंडोज़ को ओपन कर रही हूँ। और हवा एंड लाइट के साथ साथ ये विंडो ओपन करने से बहुत मच्छर भी अंदर आ जाते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम भी होता है। बट पूरा दिन लाइट जला के रखना मुझे पसंद नहीं है। और ये देखिए, ये खाट का चाबी है जो एकदम टेढ़ा हो गया है और इसके वजह से अभी खाट को खोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है इस चाबी से। बहुत दिन से मैं कोई भी क्लीनिंग व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी, तो आप लोगों ने मुझे पूछा है कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ क्लीनिंग व्लॉग अपलोड और साड़ी व्लॉग अपलोड। इसलिए मैंने अभी बहुत सारा क्लीनिंग व्लॉग एंड साड़ी व्लॉग अपलोड किया है इस चैनल में। आप लोग अगर चाहो तो चेक करके देख सकते हो। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। जब भी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है, जो मैं आज तक कर रही थी। एक्चुअल में किसी भी नए जगह में सेट होने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए होता है, जो मैं इतने दिनों तक अपने आप को दे रही थी। अभी मैं एकदम बिल्कुल सेट हो गई हूँ इस घर में और अभी आप लोगों का सारा रिक्वेस्टेड ब्लॉग धीरे धीरे आने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों, गुस्सा मत होइए, मेरे ऊपर रूठिए मत, मैं ला रही हूँ धीरे धीरे आप लोगों का रिक्वेस्टेड व्लॉग। आप लोगों के साथ कोई भी क्लीनिंग व्लॉग शेयर करूं या ना करूं, बट काम से तो हमें फुर्सत नहीं। रोज हम ये सब काम जो कर रहे हैं, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं हर रोज़ करती हूँ, ये मेरा रूटीन के अंदर पड़ता है। बट कभी कभार मन नहीं करता है कि कुछ भी वीडियो शूट करूँ या फिर एडिट करूँ, ये सब हो नहीं पाता है, तो यही मैं नहीं कर पा रही थी। एक्चुअल में ये सब काम से मेरा छुट्टी नहीं था, ये सब काम मैं हर रोज़ करती ही थी, बट उसको वीडियो के द्वारा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। ये बॉटल आज मुझे धोना है जो मैंने छोड़ दिया है थोड़ा सा साबुन लगा के। और बिस्तर मैंने सुबह ही ठीक किया था, अभी क्या हालत हो गया है। और इधर देखिए कितना सारा कपड़ा, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कपड़े धो डाले हैं और बहुत सारे अभी जमा हो गया है जिसको मुझे धोना है। और कपड़े के साथ मैंने धो दिया था ये स्माइली। बाहर का जितना भी काम है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग, सब काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है हमारे घर के मेड को, बट उनके लिए हमेशा मेरे पास कोई ना कोई शिकायत रहते हैं। आज शिकायत नहीं करेंगे, खुद का काम खुद कर लेंगे।
अभी बारिश का सीजन है तो पेड़ में से जितना भी पत्ते गिर रहे हैं वो फ्लोर के साथ चिपक जा रहे हैं, तो उसको अच्छे से अगर झाड़ू ना लगा जाए तो क्लीन नहीं होता है। बट हमारे इधर का जो मेड है वो अच्छे से क्लीन नहीं करती है, बस सारा पत्ता वगैरह सब कुछ इधर गिर के रहता है और देखने में बहुत गंदा लगता है। और ये जो नल देख रहे हो इसके पानी से मेड काम करती है, और उसके बाद जितना भी गंदा इधर पड़ा रहता है वो पड़ा ही रहता है, वो ठीक से क्लीन नहीं करती है। तो आज मुझे लगा मैं खुद ही थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ बाहर को, ताकि बच्चे इधर आके खेलते हैं तो उनको खेलने में भी अच्छा रहे, गंदा ना रहे, और दिखने में भी बहुत खराब लगता है, बहुत ही खराब लगता है, जो मुझे एकदम पसंद नहीं है। तो आज मैं खुद ही झाड़ू लेके आ गई हूँ बाहर को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए। और इस टाइम पे अगर सब कुछ अच्छे से क्लीन ना किया जाए तो मच्छर भी बहुत बढ़ जाता है, जिससे हमेशा घर में मच्छर 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 का मेडिसिन डालने से तबीयत भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए बाहर को क्लीन रखना इस टाइम पे बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। लेकिन ये मेड कब समझने वाली, उनको तो बस 5-6 घर में जल्दी जल्दी से काम कर फिनिश करके घर जाना होता है। तो क्या किया जाए, ये काम खुद को ही करना पड़ता है। बारह बज गए हैं ऑलरेडी और म्यूनिसिपलिटी का वाटर सप्लाई भी आ गया है, और अभी बाहर बारिश भी नहीं हो रहा है, सो बाहर का जितना सारा काम है मुझे जल्दी जल्दी निपटाना है। सारे बॉटल्स में मैंने साबुन लगा के रख दिया है, उसको भी धोना है। अभी तो बारिश नहीं हो रहा है बट बहुत ही क्लाउडी वेदर है, कभी भी बारिश आ सकता है, सो जल्दी जल्दी काम करना है। क्लीनिंग का जितना भी काम था लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी मैं जाऊंगी घर में और उसके बाद जाऊंगी नहाने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किचन भी क्लीन कर लिया है, सो चलिए नहाने जाते हैं। सो गाइस, मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया मेरा नॉर्मल जो रूटीन होता है सुबह का वो, और अभी मैं आ गई हूँ नहा धो के फ्रेश होके। अभी गाइस मैं अभी जा रही हूँ इंस्टाग्राम रील्स बनाने। माय इंस्टाग्राम आईडी इज समाप्ति SAMAPTI 7354। इंस्टाग्राम पे मैं हर रोज रील्स डालती हूँ और अपना अपडेट भी डालती हूँ। आप लोग अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और मैं जब इंस्टाग्राम रील्स बनाने जा रही थी तब मुझे इस उंगली में एक रिंग पहनना था, ये रिंग जो मेरे मिडिल फिंगर में होते हैं वो रिंग इस उंगली में पहनना था, बट देखिए ये उंगली कितना मोटा हो गया है, इसलिए मैं इस उंगली में ये रिंग को नहीं पहन पा रही हूँ। बाहर जब क्लीनिंग कर रही थी तो इधर एक बहुत ही जहरीला चींटी मिलते हैं, जो चींटी काटने से बहुत जलन भी होते हैं, जहां काटते हैं वो चींटी जहां पर भी कट देता है वहां पर बहुत जलन होता है, और ऐसे पॉइजन की वजह से वो मोटा हो जाता है, जो आज मेरे साथ हुआ है। बहुत मिलते हैं वो चींटी इधर, आप लोगों के उधर वो चींटी मिलता है क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए हाथ क्या हो गया, नहीं दो दो कंपैरिजन होगा तो आपको पता चलेगा। देखिए एकदम लाल हो गया है और क्या हो गया है कैसा, तो बहुत ही दर्द हो रहा है इसमें अभी, बट क्या किया जाए, फिर भी रील्स बहुत दिन से बना नहीं पा रही हूँ, सो आज तो रील्स बनाना ही है। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा गाइस।